बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 14 नवंबर है और 14 नवंबर को दुनिया भर में डायबिटीज के आलमी दिन के तौर पर मनाया जाता है। आज ही के दिन सर फ्रेडरिक बेंटिंग की सालगिरह भी है, जिसने आज से 100 साल पहले 1922 में चार्ल्स हर्बर्ट बेस्ट के साथ मिलकर इंसुलिन को इजाद किया। और इस इजाद के बाद अब तक इन 100 सालों में लाखों बल्कि करोड़ों लोगों की जिंदगी बचाई जा सकी है जो कि डायबिटीज में मुब्तला है। इंसुलिन के इजाद होने से पहले डायबिटीज के मरीज, खुसूसन बच्चे, उनकी मौत डायबिटीज की तशखीस के बाद महीनों या साल डेढ़ में हो जाया करती थी और इनकी जिंदगी सिर्फ चंद महीनों की या साल डेढ़ की होती थी। लेकिन इंसुलिन इजाद होने के बाद अब अल्हम्दुलिल्लाह हम ऐसे मरीजों की जिंदगी को बचा सकते हैं और बचाते रहते हैं। लेकिन वर्ल्ड डायबिटीज डे का मकसद सिर्फ सर फ्रेडरिक बेंटिंक की सालगिरह को मनाना ही नहीं है, बल्कि इस दिन के मनाने का मकसद ये है कि दुनिया भर में लोगों में डायबिटीज के हवाले से, डायबिटीज की पेचीदगियों के हवाले से, डायबिटीज से बचने के हवाले से और डायबिटीज की सही तशखीस, बर वक्त तशखीस और इसके इलाज के बारे में लोगों में आगाही पैदा की जा सके। इस साल यानी 2023 में वर्ल्ड डायबिटीज डे का जो थीम है वो है एक्सेस टू डायबिटीज केयर। और इस थीम से मुराद ये है कि आज के दिन हम ये कोशिश करें, ये अहद करें कि डायबिटिक्स पेशेंट्स को या जिन लोगों में डायबिटीज है, जिसकी तशखीस हुई है, उनको प्रॉपर इलाज के लिए मौके दिए जाएं और जिन लोगों को डायबिटीज है लेकिन उनको मालूम नहीं है तो उनको तशखीस के लिए आसानियां पैदा की जाएं। और जो लोग यानी डॉक्टर्स, पैरामेडिक, नर्सेज जो कि डायबिटीज के मरीजों का ख्याल रखते हैं तो उनके नॉलेज को भी अपडेट किया जाए। ये वर्ल्ड डायबिटीज डे को मनाने की जरूरत क्यों पड़ी? तो इसकी वजह यह है कि डायबिटीज दुनिया भर में जो सबसे आम या जो कॉमन बीमारियां समझी जाती हैं तो उन बीमारियों में से एक है। पूरी दुनिया में आज 50 करोड़ से ज्यादा लोग डायबिटीज में मुब्तला हैं और इन लोगों में मर्द, औरत, बच्चे, बूढ़े, जवान सब शामिल हैं। और डायबिटीज दुनिया के हर खित्ते में, दुनिया के हर मुल्क में सबसे आम बीमारी है। और ये अंदेशा है कि आइंदा 30 सालों में इन मरीजों की तादाद 1 अरब 30 करोड़ से ज्यादा हो जाएगी। अगर हम पाकिस्तान को देखें तो 2016 में पाकिस्तान में डायबिटीज की प्रिवेलेंस, इसकी परसेंटेज ये 11.77% यानी 12% थी। इससे मुराद कि अगर 100 लोगों को आप टेस्ट करें जिनको डायबिटीज का इलम ना हो तो उनमें से 12 लोगों को डायबिटीज की तशखीस हो जाती थी। ये 2016 यानी आज से कोई 6-7 साल पहले की बात है। और इस लिहाज से पाकिस्तान का शुमार दुनिया में तीसरे नंबर पे होता था। सबसे ज्यादा मरीज दुनिया में वो चाइना में थे और पाकिस्तान का शुमार 2016 में तीसरे नंबर पे था। अगले साल 2017 में जब सर्वे किया गया तो ये प्रिवेलेंस पाकिस्तान में 16.98% हो गई। यानी अगर आप 100 मरीजों का, जिनको कोई इल्म नहीं है कि उनको शुगर है,
अगर आप उनका टेस्ट करें तो कोई 17 मरीजों को शुगर की तशखीस हो जाती थी 2017 में। 2016 में ये थी 100 में से 12 लोगों को तशखीस हो जाया करती थी, जबकि 2017 में ये 12 से बढ़कर 17% हो गई। 2021 का जो सर्वे आया इसने हम सबको हिला के रख दिया, और वो इस तरह कि अब अगर आप 2021 में जब आप 100 मरीजों का हमने टेस्ट किया, ये जो पब्लिश्ड डेटा है, हमने से मुराद ये जो सर्वे करने वाली कंपनीज ने, लोगों ने जब टेस्ट किया 100 लोगों का, और उन लोगों का ये जनरल पॉपुलेशन जिनमें किसी को शुगर की तशखीस नहीं थी पहले से, तो 100 लोगों में 36.7% लोगों को शुगर की तशखीस हुई। यानी वो जो तकरीबन कोई 5-6 साल पहले 100 में से 12 लोगों को होती थी, अब 5-6 साल के बाद ही ये तादाद 3 गुनी हो गई, और अब ये 36 लोगों को, 100 में से 36 लोगों को शुगर की या डायबिटीज की तशखीस हो जाती है। और इस प्रिवेलेंस के हवाले से अब दुनिया में सबसे ज्यादा प्रिवेलेंस जो है वो अब पाकिस्तान में है, यानी हमने चाइना को पीछे छोड़ दिया। अब पाकिस्तान में अगर आप 100 लोगों को शुगर का टेस्ट करें जनरल पॉपुलेशन में, तो 36% लोगों को, यानी 36 लोगों को इसकी तशखीस हो जाएगी। इससे मुराद ये है कि हर तीसरे बंदे को शुगर की तशखीस है। तो अगर ये मेरी वीडियो 3 लोग देख रहे हैं, तो 3 में से 1 को लाजमन शुगर की बीमारी है। अगर आपके घर में 10 लोग हैं, तो उनमें से 3 लोगों को शुगर की बीमारी है या आइंदा चंद सालों में पैदा होने वाली है। तो ये इतने अलार्मिंग फिगर्स हैं कि इन फिगर्स को देखते हुए वर्ल्ड डायबिटीज डे को सीरियसली मनाना पाकिस्तान में तो हम सब पे फर्ज बनता है। तो नाजरीन, इस हवाले से मैंने इरादा किया है कि आइंदा चंद दिनों में मैं वर्ल्ड डायबिटीज डे के हवाले से जो चीदा चीदा पॉइंट्स हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूंगा, और मेरी आप लोगों के से रिक्वेस्ट होगी कि इन मैसेजेस को, इन वीडियोस को आप खुद भी देखें, आप अपनी अजीज और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर करें, और आप अपनी फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करें, और मेरे साथ ताउन करें, मेरी हेल्प करें कि हम ये मैसेज पूरे पाकिस्तान में फैला सकें कि पाकिस्तान डायबिटीज के हवाले से बदकिस्मती से अब नंबर 1 मुल्क दुनिया में पहले नंबर पे पहुंच गया है कि जिसमें डायबिटीज के मरीजों की प्रिवेलेंस सबसे ज्यादा है। आइंदा के वीडियो में मैं आपसे ये बताऊंगा कि WHO ने 2030 में तक डायबिटीज के हवाले से क्या टारगेट्स रखे हैं, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन आज की इस वीडियो में आप ये जान लीजिएगा कि हम एक आतिशफिशां के ऊपर बैठे हुए हैं, और ये किसी भी वक्त पट सकता है, और पटने का मकसद से मुराद ये है कि जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस होंगी वो हमारे सोसाइटी में, हमारे नेशंस में, हमारे लोगों में ये आ सकती हैं। तो अगर आप मजीद डायबिटीज के हवाले में, उसकी बीमारी के हवाले से समझना चाहते हैं, इसके इलाज के हवाले से समझना चाहते हैं, तो एक तो मेरी सीरीज है जो कि मेरे यूट्यूब चैनल के जो प्लेलिस्ट है डायबिटीज, उसमें सारी मौजूद है। तो उसको देखने के लिए आप लाजमन मेरे जब यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको एक्सेस मिल जाएगी मेरे प्लेलिस्ट पे। तो उन प्लेलिस्ट में जाके डायबिटीज में जब आप उसमें चले जाएंगे, तो उसमें जितनी भी हरे रंग के या ग्रीन रंग के थंबनेल्स हैं वो उर्दू में डायबिटीज के मुख्तलिफ
पहलुओं के हवाले से उन पे डिस्कशन की गई है, और जो रेड थंबनेल्स है उसमें वो तमाम बातें पश्तो में भी मैंने उन व्यूवर्स के लिए रिकॉर्ड करवाई हैं कि जो उर्दू नहीं समझते और जिनको समझने में पश्तो में आसानी होती है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट होगी कि वर्ल्ड डायबिटीज डे के हवाले से मेरे इस वीडियो को भी अपने कोलीग्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, पब्लिक में शेयर कीजिएगा, अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे अपने अकाउंट से शेयर कीजिएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल पे डायबिटीज के हवाले से जितनी भी इंफॉर्मेशन है, ये जितनी भी वीडियोस हैं उनको भी लाजमन आप देखिएगा और समझिएगा और शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये हम सब पे ये एक जिम्मेदार शहरी के तौर पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम इस जो एक हमारे मुल्क में जो सबसे बड़ा जो चैलेंज है, हेल्थ केयर चैलेंज है, इसको हम कवर अप करने के लिए हम आगाही पैदा करें, और खुदा ना खास्ता अगर हमें हमने अभी तक टेस्ट नहीं किया तो अपना शुगर का टेस्ट करें, और जब शुगर का टेस्ट करें अगर खुदा ना खास्ता हमें डायबिटीज है तो उसका प्रॉपर ख्याल करें, और अगर डायबिटीज नहीं है तो हम ऐसे तरीके अख्तियार करें कि जिसके जरिए से हम डायबिटीज से बच सकते हैं। तो मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ, इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में, कल की वीडियो में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा कि WHO ने 2030 तक क्या टारगेट रखे हुए हैं वर्ल्ड डायबिटीज पेंडेमिक के हवाले से, कि जो मेटाबॉलिक पेंडेमिक है कि इसके साथ किस तरह नबरद आजमा हो सके। इजाजत चाहता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।